आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पीओके भारत का अखंड हिस्सा है। राजनाथ सिंह ने खास तौर पर रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में यह कहा है, भारत में विलय की बात ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात करते हुए राजनाथ सिंह ने बड़ी बात पीओके को लेकर कह दी है। मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन जी राजनाथ जी, जी क्या आपने पीओके के मुद्दे को मैनिफेस्टो में डाला है? मैनिफेस्टो में डालने की जरूरत है, क्यों ना डालें? क्यों इसलिए कोई कुछ करना चाहे तो उसको उस पर खुलकर एक तरह से लोगों को पता चले, आप फिर कब करें वो अलग बात है। पीओके को तो हम मानते ही हैं, पीओके भारत का था, पीओके भारत का है, पीओके भारत का रहेगा, इसको मैनिफेस्टो में डालने की जरूरत है। इस पर कभी ना कभी तो कोई निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल आराम से रहिए। आराम से मतलब? आप बिल्कुल आराम से रहिए, पीओके के लोग खुद ही डिमांड करेंगे। कश्मीर में जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, इस तरीके से अमन अमान की स्थिति जम्मू कश्मीर में पैदा हुई है और भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, यहाँ राशन के लिए मार नहीं होती है। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, हमारी कामना है कि वो भी धनवान हों, ठीक बने, वहाँ की भी पावर्टी की प्रॉब्लम सब रिजॉल्व हों, क्योंकि पड़ोसियों के सबके प्रति हम लोगों के भाव तो अच्छे ही रहते हैं। तो मुझे लगता है इन सारी स्थितियाँ जैसी बन रही हैं उसमें पीओके कि लोग खुद ही कहेंगे कि हम भारत के साथ जाना चाहते हैं, हम अपने जम्मू कश्मीर के साथ जाना चाहते हैं, हमको कुछ करने की जरूरत। मुझे लगता है या शायद देश में किसी को लगता हो अथवा न लगता हो, लेकिन मुझे लगता है। अच्छा, लगभग 1.5-2 साल पहले मैंने यह बात कही, आर्मी डे के अवसर पर जवानों को संबोधित करते हुए मैंने कहा था। और आपने देखा होगा कि उसके बाद टेलीविजन पर भारत के समर्थन में नारे लगाते हुए लोग पीओके में दिखाई दिए थे। हम उकसा रहे हैं उनको कि वो मैंने उकसाने का कोई सवाल ही नहीं, ऐसी नापाक हरकत नहीं करते हम लोग। आप कह रहे खुद से लोग मांगेंगे, मतलब उसे यहाँ का डेवलपमेंट जितनी तेजी के साथ हो रहा है, बांग्लादेश के लोगों ने भी जब उतना उनको उतनी उत्पीड़न हुई उनकी, उसके बाद मुक्ति वाहिनी बनी, मगर लास्ट में जाके भारतीय सेना को जाके सपोर्ट तो करना पड़ा। तो पीओके की जो हालत है उसको आप कैसे देखते हैं? हमारी कोई तो भूमिका होगी उस पर, हमारी धरती है, हमारा जमीन है, हमारा अधिकार है उस पर। बिल्कुल अधिकार है, वो हमारा अधिकार तो है, आप रक्षा मंत्री। हाँ, पीओके हमारा ही है, लेकिन हम आश्वस्त हैं, निश्चित रूप से पीओके से आवाज उठेगी, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, और हमारा अधिकार। क्योंकि मुझे याद है 2 साल पहले मैंने मुझे बोला था जी, उसके बाद मैंने देखा कि पीओके में आवाज उठने लगी थी। मैं जिस तरीके से राशन के लिए मारा मारी पाकिस्तान में हो रही है, डेली वायरल क्लिप्स हो रहे हैं एक दूसरे को, और यहाँ जो है हर मंथ 5 किलो फ्री राशन सारे 80 करोड़ लोगों को भारत में मिल रहा है। बिल्कुल, ये हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं जी। तब स्वाभाविक है, कोई देखेगा तो अंतर समझ में आएगा, और हम तो उनको अपना मानते ही हैं, मतलब हम तो बिल्कुल दिल खोल कर बैठे हैं, उनको गले लगाने के लिए दिल खोल कर बैठे हैं। गले तो लगाया ही हुआ है, लगाया हुआ है। आपको भी तो रिपोर्ट आ रही होंगी, आपको भी तो रिपोर्ट आती होंगी, आप रक्षा मंत्री हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, दूसरे रिपोर्ट्स आपको तो आते होंगे। मतलब ये राजनाथ जी, ये ऐसी चीज है, ऐतिहासिक कदम तो होना चाहिए ना, कोई भी चुनाव के पहले। मैं तो उन्हीं चीजों पर बात करूंगा, और आपको मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री जी से मैंने बात की थी, और एक बात तो प्रधानमंत्री जी की जो कहते हैं वो करते हैं। प्रधानमंत्री जी के साथ एक इंटरव्यू की थी मैंने, करीब 6 लास्ट इंटरव्यू था 2014 के कैंपेन का, और उन्होंने कहा था मुझे, पाकिस्तान के मुद्दे पर सवाल उठाया था, बड़ा फेमस लाइन था मोदी जी का, उन्होंने कहा न बम बंदूक और बारूद के बीच में बातचीत हो सकती है क्या। क्लिप बिल्कुल वायरल हो गई थी, और फिर लोगों को लगा था कि क्या ये फॉरेन पॉलिसी में इंप्लीमेंट हो सकती है। हमने तो दिखा दिया। और बालाकोट के बाद से लेके जिस तरह से
क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को इशारा जा चुका है? फॉरेन पॉलिसी पर सवाल है जो डिफेंस पॉलिसी के साथ बहुत रिलेटेड है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की पाकिस्तान को मतलब मैसेज जा चुकी है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के समझ में सारी बातें निश्चित रूप से आ रही होंगी। लास्ट इंटरव्यू था 2014 के कैंपेन का और उन्होंने कहा था, मुझे पाकिस्तान के मुद्दे पर सवाल उठाया था, बड़ा फेमस लाइन था मोदी जी का, उन्होंने कहा न बम बंदूक और बारूद के बीच में बातचीत हो सकती है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के समझ में सारी बातें निश्चित रूप से आ रही होंगी।